हे दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है क्योंकि यह होने वाला है हाउसकीपिंग के अंग्रेजी नाम और उसके उपयोग के बारे में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, क्लीनिंग से जुड़े आने वाले अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, जैसे एक आर्मी मैन का बुनियादी हथियार होता है उसकी बंदूक जो दुश्मनों का सफाया करता है, वैसे ही एक हाउसकीपर का बुनियादी टूल है ड्राई मॉप जो डस्ट का सफाया करके फ्लोर को क्लीन करता है। इसका उपयोग झाड़ू लगाने के काम में आता है। इसमें ड्राई मॉप क्लिप, ड्राई मॉप रिफिल और ड्राई मॉप स्टिक आता है। ड्राई मॉप सेट में बहुत सारी वैरायटीज आती है। अगर आप सभी प्रकार के ड्राई मॉप सेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम इसके ऊपर नई वीडियो डिटेल में लेकर आएंगे जो सभी प्रकार की कंपनियों के ड्राई मॉप सेट पर आधारित होगी। वेट मॉप सेट, जिसे हिंदी में पोछा बोलते हैं, यह फ्लोर पर पोछा लगाने के काम में आता है। इसमें वेट मॉप स्टिक, वेट मॉप क्लिप और वेट मॉपिंग रिफिल आता है। इसे बकेट में डाइल्यूट किए हुए केमिकल्स लेकर पोछा लगाने के काम में आता है। साइन बोर्ड दो प्रकार के होते हैं, जिस पर लिखा होता है वेट फ्लोर और क्लीनिंग इन प्रोग्रेस। जो क्लीनिंग करते समय लगाना बहुत ही जरूरी क्यों है, कमेंट करके जरूर बताइए। सिर्फ हाउसकीपिंग एक्सपर्ट्स ही यह बात अच्छे से बता सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। साइन बोर्ड और कौन से प्रकार के होते हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वॉकिंग डस्ट पैन विथ ब्रश, सुपली ब्रश हैंडल वाला, इसमें चलते चलते कचरा कलेक्ट कर सकते हैं। डस्ट पैन रेगुलर, यह रेगुलर सुपली जिसमें कचरा भर सकते हैं। डस्ट पैन विथ ब्रश जो हैंडी आता है, इसमें सुपली के साथ ब्रश भी आता है। सॉफ्ट ब्रूम, यह झाड़ू निकालने के काम में आता है। हार्ड ब्रूम खराटा, यह बाहर का झाड़ू निकालने के काम में आता है। स्प्रे बॉटल, इसमें रूम फ्रेशनर या क्लीनिंग केमिकल डाइल्यूट किया हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास वॉशर, कांच का वॉशर, इसमें ग्लास क्लीनिंग करने के लिए वॉशर को गीला करके ग्लास के ऊपर इसको स्क्रब करें। ग्लास वाइपर, कांच का वाइपर, ग्लास वॉशर के इस्तेमाल के बाद ग्लास वाइपर से वाइप करें। ग्लास कॉम्बी, जिसमें ग्लास वाइपर और वॉशर दोनों ही होते हैं। ग्लास स्क्रैपर, कांच का स्क्रैपर जो ग्लास के ऊपर लगे स्टिकी आइटम को अच्छे से निकालता है बिना कोई ग्लास पर स्क्रैच लगाए। इसमें और एक स्क्रैपर आता है जिसे मिनी स्क्रैपर भी बोला जाता है। कॉबे ब्रश, इसे जाला ब्रश भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल मकड़ी का जाला निकालने के लिए काम में आता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है। कॉबे ब्रश राउंड गोला जाला ब्रश, कॉबे ब्रश वी टाइप वी जाला ब्रश, कॉबे ब्रश राउंड गोला जाला ब्रश जिससे फैन भी साफ किया जाता है। कॉबे ब्रश स्नेक टाइप, सांप के टाइप का जाला ब्रश, इसका सांप के फन जैसा आकार होता है। पाइप के ऊपर का डस्ट हो या जाला इससे निकल जाता है। एल्यूमिनियम टेलीस्कोपिक पोल, इसका हाइट कम ज्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह एडजस्टेबल पोल है, इसलिए इसे कम ज्यादा करके एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर कॉबे ब्रश, ग्लास वॉशर, वाइपर, स्क्रैपर, कॉम्बी, यह टूल्स लगा सकते हैं। कंप्यूटर ब्रश, कंप्यूटर कीबोर्ड ब्रश जो कीबोर्ड और कंप्यूटर को अच्छे से साफ करता है। फेदर ब्रश डस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जहां इजीली हाथ नहीं जाता वहां पर इफेक्टिवली काम करता है। टॉल ब्रश हार्ड जो फ्लोर स्क्रबिंग के काम में आता है। टॉल ब्रश सॉफ्ट जो फ्लोर का डस्ट निकालने के काम में आता है। डब्ल्यूसी ब्रश, इसमें राउंड डब्ल्यूसी ब्रश और हॉकी डब्ल्यूसी ब्रश आता है जो कमोड और इंडियन टॉयलेट क्लीन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मोरी ब्रश या पट्टी ब्रश, यह फ्लोर स्क्रबिंग के लिए आते हैं। कारपेट ब्रश, यह सॉफ्ट और हार्ड ब्रिस्टल में आता है, यह कारपेट क्लीनिंग के काम में आता है। स्कॉच ब्राइट,
स्टील स्क्रबर और नॉयलन स्क्रबर, यह सब स्क्रबिंग के काम में आते हैं। फ्लोर वाइपर, इसमें स्मॉल, मीडियम और बिग साइज का आता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से साइज को प्रेफर करें। यह पानी को खींचने के लिए यानी वाइपिंग करने के लिए काम में आता है। किचन वाइपर, किचन ओटे के ऊपर का पानी खींचने के लिए उपयोग में आता है। सेनी क्यूब्स, कलर गोली जो सुगंधित गोली होती है, यह यूरिनल्स और बेसिन बाउल में उपयोग कर सकते हैं। यह वॉशरूम में फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेप्थिलिन बॉल्स, जो सफ़ेद कलर की गोली होती है, इसका उपयोग यूरिनल पॉट में होता है। यह वॉशरूम में फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैंड ग्लोव्स, इसमें रबर हैंड ग्लोव्स आता है जो क्लीनिंग के समय इस्तेमाल करते हैं। रेड कलर का हैंड ग्लोव्स वॉशरूम क्लीन करते समय और ब्लू कलर का हैंड ग्लोव्स जनरल क्लीनिंग करते समय उपयोग करते हैं। पैंट्री हैंड ग्लोव्स, यह सफ़ेद कलर का आता है, यह पैंट्री बॉयज सर्विंग के समय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स का यह फर्स्ट एपिसोड है। हम जल्द ही इसका सेकेंड एपिसोड लेके आएंगे जो एडवांस हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। अगर आपको यह प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डस्ट का डॉक्टर के साथ जितना आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना ही क्लीनिंग से जुड़े स्किल को अपग्रेड करते जाएंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो क्लीनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है, चाहे वो सीईओ हो या फैसिलिटी मैनेजर या सुपरवाइजर या हाउसकीपर, अपने आप को तैयार करे ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों, एक लाइक आपके नाम, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।